मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरह गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की। तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरह है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया, अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ, वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी की सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहां जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्मः ततो जयः, हमारे साथ भगवान है। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरह गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की। तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरह है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया, अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ, वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी की सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहां जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्मः ततो जयः, हमारे साथ भगवान है।